ही पूरे दिन का व्रत रखा तो अपने भाइयों से कोर्क देख के दशा बर्दाश्त में। हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ, कैसे हैं आप लोग? तो मेरा सारा काम हो गया है तो अब मैं रेडी होंगी। अभी नहाना धोना हुआ है हमारा, क्योंकि मैं सुबह लेट ही नहाती हूँ करवा चौथ वाले दिन, और सारा काम बेटी और मैंने मिलके कर लिया। रात को भी हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि मेहंदी लगवाने में 2:30 बज गया था। तो आप सारे काम से फ्री होके अब कहानी सुनने के लिए रेडी होंगे, और अब मेरे घर पर मेरी फ्रेंड भी आ रही हैं, तो आप लोगों को भी हैप्पी करवा चौथ, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो अब हम सब तैयार हो जाते हैं, फिर 3:30 बजे से हम लोग कहानी सुनेंगे। तो मिलते हैं हम आपको तैयार होके। तो रेडी हो गई हूँ मैं, अब हम लगाते हैं तुलसी मैया की पूजा के लिए सामान। ये हमारी तुलसी मैया हैं और ये हमारी आंटी जी आ गई हैं, और अब हम करेंगे पूजा शुरू। तो तुलसी मैया का सामान लगाते हैं। गेस्ट आ गए हैं कहानी सुनने के लिए और सब रेडी हैं, बस एक दो लोगों का वेट कर रहे हैं। मम्मी कौन कौन रह गया? सोनिया झुमकी पुराने नहीं लग रही। लो अब झुमकी चेंज करेंगी है। नहीं, ये बस अच्छी लग रही है ना। दूसरी पहननी है चमकदार? नहीं ठीक है ऐसे ही। तो हमारे गेस्ट भी आ गए हैं और हमने नथवत लटका लिए थोड़ा सा आज। ये हमारी फ्रेंड आ गई है, अभी और भी आने वाली है, एक और आ रही है, वो आ गई मौसी के। सूट वाले नॉट अलाउडेड। सही है, दो दो लोग सूट बनाएंगे। आंटी का सपोर्ट मिल गया, पिंक पिंक। तो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे यहाँ पधार चुके हैं, अब हम पूजा शुरू करेंगे। करें स्टार्ट? हाँ चलो चलो। तो पहली बार व्रत रख रही थी वो अपने पति के लिए, तो जब वो भूख प्यास से व्याकुल होने लगी, पूरे दिन का व्रत रखा तो अपने भाइयों से कोर्क देख के दशा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसके भाइयों ने कि इसकी दशा ज्यादा खराब हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, पीपल के वृक्ष पे चढ़ के चलनी में दीपक से दिया दिखाया। तो जब दीपक से दिया दिखाया तो उस बहन ने सोचा चंद्रमा निकल आया, तो उन्होंने जाके अरक लगा दिया। अरक लगाने के बाद जैसे ही खाने पर बैठी तो दूसरे कौर में छींक आई उसको, और तीसरा कौर जब उसने मुंह में डाला तो उसके ससुराल से गुलाब आ गया कि उसका पति मरा पड़ा है। तो वो एकदम से बेहोश हो गई, और जैसे ही वहाँ अपने ससुराल गई रो पीट के, तो वहाँ उनके जैसे रो गुलाब कर रही थी सारी औरतें बैठी थी, तो वहाँ इंद्राणी आई। तो इंद्राणी बोली, बड़े बड़े आओ
जल्दी से अक्षु का भाई आए और हमारे गाइस हमारी पूजा संपन्न हो गई है और सारी फ्रेंड मेरी अभी अभी निकल गई हैं और एक फ्रेंड रह गई है, ये हमारी तुलसी मैया है जिनकी हमने कहानी सुन ली है और पूजा भी कर ली है, तो बहुत अच्छा लगा। और अब हम बनाएंगे खाना पीना, क्योंकि कहानी सुन के अब खाना पीना बनाएंगे। हमारे यहाँ पानी नहीं पीते हैं इस व्रत में, हम चाँद को देख के ही व्रत तोड़ते हैं, ना पानी पियेंगे ना चाय ना कुछ और। और ये हमारी फ्रेंड अभी रह गई है, ये भी अपने घर जा रही है क्योंकि इन्हें भी खाना बनाना है, तो ये भी निकलेंगे, इनकी बेटी भी आ रही होगी ऑफिस से, तो अब इनको हम छोड़ के आए फिर हम निकलते हैं, ठीक है। और फ्रेंडें मेरी सारी चली गई क्योंकि लेट हो रहा था सबको, बाय। चलो तो हम छोड़ के आते हैं इनको। तो अब हमारी फोटोशूट भी हो गया हमारा, चलो मैं थोड़ा सा खाना पीना बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल और रोटियाँ बनेंगी, तो मैं तैयारी करती हूँ कढ़ी बनाने की, और कढ़ी चावल रोटियाँ और पूजा के लिए पूड़ियाँ, तो यही सब बनता है हमारे यहाँ पे। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, बाकी हमारी सारी फोटो वोटो सब खिंचवा लिए एकदम से, अब फ्री है, अब हम पूजा रात की पूजा करेंगे बस खाना वाना बना के। तो हम मिलते हैं आपको खाना बना के, कढ़ी बनाती हूँ अब मैं। तो गाइस खाना पीना बन चुका है, ये हम पूजा की तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं, ये रात की पूजा की हो रही है, ये हमारे खाने की थाली बन गई है जो मैं आपको दिखा। कढ़ी चावल रोटी कच्चा पक्का खाना बनता है, ये फरे बनते हैं, ये सीखों के साथ उनकी चंद्रमा पे वो करेंगे, चारों सातों दिशाओं में फेंकते हैं, फूल भी आ गए, ये कलश भर गए हमारा। ये पूजा की तैयारी हमारी गुड़िया कर रही है, यही करती है, और ये अभी बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं पूरी, फिर मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ गए मेरे लिए, देखो गजरा लेके आए हैं, और ये हर साल गजरा लेके आते, मैंने मना किया था, अब मैं लगाती नहीं, इतना शौक नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था, तो ये फिर भी लेके आए बिना बताए। तो आप लोग भी गजरा जरूर लाएं अपनी बीवियों के लिए, और बहने हैं तो आप अपने पतियों से जरूर गजरा मंगवाएं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। करवा चौथ पे दो चार चीज हैं जो पति खुशी खुशी करते, बाकी पूरी साल तो कुछ करते ही नहीं है, ध्यान भी नहीं देते, हम काम पड़े हैं। और ये ब्लॉग तो आपको दो दिन बाद देखने को मिलेगा, इसलिए आप अब अगले साल ही लाना, इस साल तो आप ला नहीं पाओगे। तो मिलते हैं हम सारी पूजा की तैयारी वगैरह करके। बस 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 हो गया सेट, देखो मेरा गजरा, थैंक यू। अब हमारी पूजा करेंगे, सारा हमारा हो गया ओके। अब हम यहाँ करेंगे अपनी पूजा, कहानी सुनेंगे, सारी तैयारी हो गई है, अभी हम सिंगार माता रानी को पिनाएंगे और फिर हम कहानी पढ़ेंगे, और आलता आ गया है, आलता लगाएंगे, सारी तैयारी हो गई। अब आपको है ना भगवान जी को ये सब पिनाती हूँ मैं। कुछ दे दो मालिक। आज मेरा दिन है, तुम लोगों ने दिन में खाया था तो पूछा था मेरे को, दिखा के भी चुपचाप खा लिया, मुझे दिखाया भी नहीं। दिखाने से आपको पेट भर जाता। तो सबके पतियों को ऐसे ही लंबी उम्र दे भगवान, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और मेरी पूजा यहाँ समाप्त हुई, अब हम चलते हैं छत पर, तो वहाँ चंद्रमा का इंतजार करेंगे, भाई आ गए कि नहीं आ गए, आज के दिन तो वो भी नखरे दिखाते हैं। चलो मिलते हैं फिर चंद्रमा के पास। आ जाओ
तो चांद आ गया है, चांद दिखाओ, चांद आ गया देखो इंतजार हुआ खत्म, इंतजार खत्म हुआ, पकड़ूं क्या? हवा तो चल रही है, कोई बात नहीं, ऐसी बात बीच बीच में से पकड़ के फेंक, पूजा हो गई है, ये बहुरानी रह गई अभी, मैं अच्छा वहाँ गई हुई थी, तो हमारी पूजा हो गई, हम चलते हैं नीचे। कितना टाइम लग रहा, कितना टाइम लगेगा इसे तुम्हें? बस अब तो चांद तो आ गया, कब दोगे? बुढ़ा हो जाएगा फिर। अच्छा साल में एक ही बार पैर छुए जाते हैं, प्यारी प्यारी सासू माँ है और ये दौरानिया है हमारी, भी मिलो। हाँ, हाँ, ये हमारी दौरानिया है, सब मिल के पूजा करते हैं हम लोग एक साथ, पर मैं जल्दी आ गई थी, जिठानी हो ना पढ़ने में। हाँ, पर पहले पहले आई तो पहले पूजा कर लू मैं। चले चले, हाँ ये लो, एनी तो एक्साइटेड हो रही है, तो गाइस हम पूजा करके आ गए, देखो पानी पिलाने के नाम पे कितनी अंगड़ाई आ रही है, इन्हें आ रही है भूख के मारे अंगड़ाई, भूख लगी है ना इनको, है ना, सुबह भी खा लिया और अभी भी देख लो कितनी, और मैंने पानी नहीं पिया तो मेरी चिंता नहीं हो रही कि पानी वानी पिला दे, नहीं पिलाओगे तो अब पानी पीने मैं दूंगी, ढूंढो पानी कहाँ है, लो पति को दिखाए कोई बात नहीं, तो पानी तो अभी इनको भी दक्षिणा दे दें, हमारी बिटिया ने इतनी जो मेहनत करी है हमारी, तो हम इनसे आशीर्वाद ले लें। जय माता दी, जय माता, कह रही है सदा सुहागन रहो जोड़ी अमर रहे। तो अब हम लोग खाते हैं खाना, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही सच्ची में कसम से, नहीं लग रही है बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, ना तो प्यास लग रही, पता ही नहीं मेरे पे तो शक्ति आ जाती है, कौन सी माता रानी की मुझ पे बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मुझ पे शक्ति आ जाती है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और अब खाते पीते हैं हम खाना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको हैप्पी करवा चौथ एक बार फिर से। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर खूब सारा प्यार दें, बाय बाय, गुड नाइट। पर्दे पे चढ़ गई है वो, पर्दे पे पकड़ जाएगी उस दिन की तरह वो, देखिए यार पापा को चप्पल से नहीं बच पाते, पापा डब्बे में डाल दो, नहीं नहीं उड़ जाएगी, भागे पड़ जाएगी, बाल्टी लानी पड़ेगी, वीडियो व्यू दिखाओ इसका, एक चिया और पकड़ ली ऐसे बाहर छोड़े आओ, ऐसे छोड़ेंगे पापा भैया, दबा मारती हो से हर से आएगी।
क्या करोगी?